मार डालेंगी ये बंद पैकेट की चीजें, दो पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। दोस्तों, क्या आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में काजू कैसे बनता है? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, फैक्ट्री का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किशमिश कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो अंगूर हम बाजार से लाते हैं उनसे किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे ही खराब हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में अरकावती और सुल्ताना, इन्हीं दो अंगूर की किस्मों से किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है, और जब ये सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर सभी अंगूरों के गुच्छों को तोड़ तोड़ कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। और फिर इन अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में डुबो कर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं, और इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रोसेस भी काफी तेज हो जाती है, और ये सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भिगाने के बाद इन्हें सुखाने के लिए एक जालियों का सेट बनाया जाता है, और इन जालियों पर अंगूरों को अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अंगूरों पर डायरेक्ट धूप लगने से खराब हो जाते हैं, इसलिए इन जालियों के रूम को छायादार बनाया जाता है। और फिर इन अंगूरों को 10 दिन सुखाने के बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए इस जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। उसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उस पर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है, और फिर सल्फर को जलाने के लिए उस पर जलता हुआ कोयला डाल देते हैं। ऐसा करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। और इसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है, और फिर अंगूरों को 4 से 5 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सभी अंगूर सूख कर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं तो इन किशमिश को निकाल कर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुँचते हैं तो ये मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डंडियों और कचरों को अलग कर देती है, और फिर इन अलग हुए किशमिश को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धूल वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए। और क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन गीले गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है, और फिर किशमिश सूख जाने के बाद फाइनली इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। वाइन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अब जब बात चली रही है अंगूरों की, तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इन्हीं अंगूरों से फैक्ट्री में वाइन आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, ग्रेप वाइन के शौकीन लोग दुनिया के कोने कोने में मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिस एक ग्लास वाइन को पीने में आपको कुछ मिनट भी नहीं लगते, असल में उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है? दरअसल नई अंगूर की खेती के लिए अंगूर की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यहाँ बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी बेलें इकट्ठी कर ली जाती हैं, उसके बाद उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें बेल की टहनी के ऊपर से बेकार का झाड़ हटाकर उसे साफ सुथरा करके लंबी लंबी टहनियां बना ली जाती है। अब इन्हें इकट्ठा करके कारीगरों के पास भेज दिया जाता है। कारीगर इन टहनियों को एक सी लंबाई में काट कर इनके गट्ठर बना देते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकी सफाई करने की, और इन पर से धूल मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ करने के लिए इन्हें एक ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जो इन्हें साफ करने के साथ साथ जर्म्स फ्री भी बना देता है। अब काम शुरू होता है कलम बनाने का, यानी कि ग्राफ्टिंग का।
जिसके लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी की टहनियां होती हैं, उन्हें गांठ वाले हिस्से की तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें उसी घोल में डालकर उनकी भी सफाई कर ली जाती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से जिन टहनियों के गट्ठर बनाए थे उन्हें छोटे गांठ वाले टुकड़ों के साथ जोड़कर उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के ऊपर छोटे टुकड़े को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़ों को रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन उस छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़ों में फिक्स कर देती है और अब कलम बनकर तैयार हो चुकी है। अब इनमें नमी को बनाए रखने के लिए इन्हें सबसे पहले मोम के घोल में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। उसके बाद इनकी तराई की जाती है और महज 15 से 20 दिनों बाद जब इनमें अंकुर फूट जाते हैं और इनकी जड़ें निकल जाती है तो इन्हें उस बॉक्स में से निकालकर खेतों में रोपाई के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी बेहतरीन देखभाल की जाती है और एक उम्दा किस्म की वाइन के लिए अंगूरों की फसल तैयार की जाती है। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो प्रोसेस शुरू होता है वाइन बनाने का। इसके लिए सबसे पहले पके हुए काले अंगूरों को बेलों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर अच्छे से पानी से धोकर क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से शुरू होता है वाइन बनना। क्रशिंग मशीन में जो मिश्रण तैयार होता है उसमें अंगूर के छिलके और रस दोनों ही मिला हुआ होता है। अब जरूरत है इसमें यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाने की। यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाकर इसे 2-3 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की। नॉर्मली वाइन में 15-20% अल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके बाद बचे हुए अंगूरों को एक प्रेशर मशीन में डालकर 2 टन प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है। उसके बाद वाइन को छानकर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। वाइन एजिंग का प्रोसेस सालों में पूरा होता है, जिसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी के बाइनरों में सालों तक स्टोर करते हैं। उसके बाद फाइनली वाइन रेडी हो जाती है और इन्हें पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े हो, काजू तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है काजू कैसे बनता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ों से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। दोस्तों, काजू के फलों को कैश्यू एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसे प्रोसेस करने के लिए काजू के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काजू के फलों से काजू के बीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बीजों को 3-4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इन सूखे हुए काजू के बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए बॉयल किया जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, स्किन को खराब कर देता है, पूरी तरह से स्किन को जला देता है। और फिर बॉयल करने के बाद काजू के ऊपरी कवर को निकाला जाता है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है क्योंकि काजू का ऊपरी कवर बहुत हार्ड होता है। उसके ऊपरी कवर को निकालने के बाद काजू के ऊपर एक पतला छिलका मौजूद होता है, जिसे निकालने से पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी जरूरी होते हैं। और ऐसा करने से इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है और फिर रोस्टिंग के बाद काजू का पतला छिलका भी निकाल दिया जाता है और फाइनली काजू की सफाई और छटाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। साबुन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, साबुन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर फैक्ट्री में साबुन बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से टैंक में कास्टिक सोडा के साथ एनिमल फैट को मिलाया जाता है और फिर इसमें पानी मिलाकर 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है। उसके बाद इस लिक्विड को छोटे छोटे छेदों के जरिए काफी प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है। इस प्रेशर की वजह से कन्वेयर बेल्ट पर जाते ही ये लिक्विड सख्त होने लगता है। उसके बाद इस मिक्सचर को 2 रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जहां से मिक्सचर पतली पतली रिबन के शेप में बाहर निकलता है। और अब इन पतले पतले रिबन को ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर उसे दूसरे कंटेनर में डालकर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें कलर और खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस ऑयल मिलाते हैं। उसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करके एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है, जिससे साबुन की लंबी लंबी बट्टी बाहर निकलने लगती है। और फिर एक कटर मशीन इन साबुन की लंबी लंबी बट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है।
उसके बाद कंपनियां अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से साबुन पर ब्रांडिंग करके उन्हें पैक कर देते हैं। पॉलिएस्टर क्लोथ मेकिंग, चलिए जानते हैं खराब प्लास्टिक से फैक्ट्री में कपड़ा आखिर बनता कैसे। देखिए दोस्तों, खराब प्लास्टिक से कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दुनिया भर से बहुत सारा खराब प्लास्टिक का मटेरियल फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इन सारे खराब प्लास्टिक के मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर बहुत ज्यादा खराब प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है और फिर इन खराब प्लास्टिक के मटेरियल को एक क्रशर मशीन में डालकर क्रश किया जाता है। इसके बाद इस बारीक प्लास्टिक को गरम गरम पानी में डालकर उबाला जाता है और जब ये प्लास्टिक बिल्कुल साफ हो जाती है तो एक छलनी की मदद से इन ऑफ प्लास्टिक को छानकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इन प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और फिर इस ड्राई प्लास्टिक के पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है, जहां ये प्लास्टिक का पाउडर हाई टेम्परेचर से गुजरते हुए प्लास्टिक के लंबे लंबे थ्रेड की शेप में बाहर निकलता है। इसके बाद इसे हीट करके फाइबर बना लिया जाता है। ये फाइबर रुई के शेप में होता है, जिसके बाद इसे रुई से धागा बनाया जाता है। और धागे से कपड़े कैसे बनते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस, दोस्तों आजकल का दौर सप्लीमेंट का दौर है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और हर एक व्यक्ति जो जिम करता है वो भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये सप्लीमेंट फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? तो हम आपको बता दें, जितने भी सप्लीमेंट आपको बड़ी तेजी के साथ फुलाकर तगड़ा बनाते हैं ना, उन सभी सप्लीमेंट में ज्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता। जैसे कि वे प्रोटीन दूध से बनता है, तो दोस्तों वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का गाय का दूध काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इस दूध में एंजाइम्स मिलाकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे दही और लिक्विड वे अलग अलग हो जाते हैं और फिर इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री पर ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। ऐसा करने से इसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रोफिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की मदद से वे में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो क्लियर वे प्रोटीन होता है, लेकिन अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसे एक ड्रायर में डाल दिया जाता है। ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखा कर इसे पाउडर बना देती है, जिसके बाद हमें मिलता है 90% वे आइसोलेट पाउडर। अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की और टेस्टिंग में पास होने के बाद इनमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। इसके बाद इन पाउडर को डिब्बों में भर के ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर अलग अलग कंपनियां अपने अपने कंपनी के हिसाब से लेबल और डिटेल्स लगाकर इन डिब्बों को पैकिंग करके मार्केट में भेज देती है। चिप्स नूडल्स मेकिंग, दोस्तों नूडल्स, मैगी, लेज, चिप्स जैसी कई सारी चीजों को बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन पैकेट में बंद चीजों को देखेंगे तो इस पर आपको MSG लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों, ये MSG सुअर की चर्बी से बनता है। जब ये बात तेजी से फैलने लगी तो कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद ये चालाक कंपनियां MSG की जगह E631 नाम का इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारी कंपनी E631 के नाम पर हमें सुअर की चर्बी खिला रही है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को खाने से पहले आपको पैकेट अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और अगर आज के वीडियो में दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल जाए।